काठीपुर क्षेत्र में मानसून के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए तहसील प्रशासन ने क्षेत्र में 7 बाढ़ चौकियां और 2 बाढ़ राहत केंद्र बनाए हैं। बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर रखे हुए हैं। काशीपुर तहसीलदार विपिन चंद्र पंत्र ने बताया कि क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 7 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, जिस पर 32 कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। चौकियों पर तैनात कर्मियों को 24 घंटे मोबाइल ऑन रखने और निरंतर उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अति संवेदनशील बाढ़ चौकियां राजकीय प्राथमिक विद्यालय मिसरवाला व प्राथमिक विद्यालय धबोरा मुस्तकम अजीतपुर में वायरलेस सेट उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा तहसील कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। साथ ही सभी लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर ग्रामीणों को सचेत रखें। तहसील पंत ने बताया कि इसके अलावा 2 बाढ़ राहत केंद्र नवीन अनाज मंडी समिति और किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी को बनाया गया है, जहाँ पर 11 कर्मियों को तैनात किया गया है। ये सभी कर्मी वर्षा काल तक बाढ़ की स्थिति पर 24 घंटे नजर रखेंगे। बताया कि बाढ़ कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी नायाब नाजिर जाकिर हुसैन को बनाया गया है। उन्होंने बताया किसी भी आपदा से निपटने के लिए SDRF में 40 लाख रुपए आ चुका है। 7 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। यहाँ पर कोसी, भीला और बहला तीन नदियाँ मुख्य उनके जो तटवर्ती क्षेत्र है बाढ़ की संभावना रहती है ऐसा, और उसके दृष्टिगत 7 बाढ़ चौकियाँ एवं 2 बाढ़ आपदा राहत केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त तहसील काशीपुर में कंट्रोल रूम लोगों ने स्थापित किया हुआ है और 2400 घंटे कार्मिकों की ड्यूटियाँ यहाँ पर लगा दी गई हैं। यहाँ पर प्रभारी अधिकारी हमारे नोडल ऑफिसर जाकिर हुसैन को यहाँ पर तहसील में नामित किया गया है। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। सर, यदि किस तरह कोई आपदा आती है तो उस स्थिति में जो है इन लोगों को राहत केंद्र में जब पहुँचाया जाएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग वाली स्थिति से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियाँ हैं? सोशल डिस्टेंसिंग जो कि अभी बड़ी एपिडेमिक समय चल रही है महामारी, तो उसके दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी सभी हमारे जो नोडल ऑफिसर और कर्मचारी हैं वो यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही अगर ऐसी कोई एक्सीडेंसी इमरजेंसी वगैरह सिचुएशन कोई आती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के जो तत्वाधान है उनके अंतर्गत जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स सिस्टम वो भी एक्टिवेटेड है तहसील में। और जब भी इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ती है तो व्हाट्सएप पे भी हम लोगों ने एक ग्रुप बना दिया है और तुरंत ही तत्काल उसको एक्टिवेट करते हुए सभी जो कार्मिक हैं उनको समय समय पर सेंसिटाइज भी किया जाएगा।